दोस्तों रणबीर कपूर बॉलीवुड के ऐसे चॉकलेटी बॉय हीरो है जो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होने के बावजूद अच्छी एक्टिंग करने के लिए बॉलीवुड में जाने जाते हैं, वरना ज्यादातर स्टार किड का एक्टिंग के क्षेत्र में हार्ड टाइट ही होता, जैसा कि आप अनन्या पांडे और अर्जुन कपूर की एक्टिंग देखने के बाद आप खुद भी जानते होंगी। लेकिन रणबीर कपूर उन सबसे अलग है। इसका अंदाजा रॉक स्टार बर्फी और संजू जैसे फिल्मों में रणबीर की एक्टिंग देखकर आप खुद भी समझ सकते हो। इसलिए जहां दूसरे स्टार किड्स के फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही औंधे मुंह गिरती है, वहीं दूसरी ओर रणबीर कपूर की फिल्म अच्छी कमाई करके हमेशा सुपरहिट साबित होती है। तभी तो रणबीर की आने वाली फिल्मों का लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों आज के इस फ्रेश वीडियो में हम बात करेंगे रणबीर कपूर की आने वाली उन फिल्मों के बारे में जो रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा सकती है और बॉलीवुड के सुनहरे दिन एक बार फिर से वापस ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 सिनेमा व्यू के इस नए वीडियो में। नंबर 1 इज एनिमल। एनिमल बॉलीवुड की अपकमिंग गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जिसमें रणबीर कपूर, नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे एक्टर समय अपने बेहतरीन एक्टिंग का नमूना पेश करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाया जा रहा है, वही फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर भूषण कुमार और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे संदीप वांगारेड, जिन्होंने अर्जुन डेडी और कबीर सिंह जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है। अब वह एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ एनिमल फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें रणबीर कपूर काफी ज्यादा वायलेंस करेक्टर में नजर आएंगी और इस फिल्म में अनिल कपूर रणबीर कपूर के पिताजी के रोल में नजर आएंगी। वही दूसरी तरफ बॉबी देओल रणबीर कपूर से दो दो हाथ करते हुए दिख सकते हैं। फिल्म का एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हो चुका जिसमें रणबीर कपूर की आवाज में वो डायलॉग की पापा आप अगले जन्म में मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, साथ में बैकग्राउंड में बजने वाला म्यूजिक और वीडियो के लास्ट में सुनाई देने वाली बंदूक की गोलियों की आवाज मानो एक के बाद एक आग लगाने वाला काम कर रहा है। फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो देखने के बाद यह तो कंफर्म हो चुका एनिमल में एक्सट्रीम लेवल पर वायलेंस देखने को मिलेंगी, मतलब कि इस बार कपूरों में कपूर रणबीर कपूर फिल्म में रौद्र रूप धारण करते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे तो यह फिल्म हमें 2022 में ही देखने वाली थी लेकिन थोड़ी डिले होने के कारण इसका लुत्फ अब आप 15 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में ले पाएंगे। नंबर 2 रामायण। रामायण रणबीर कपूर की अपकमिंग पैन इंडिया मूवी है जिसकी स्टोरी हिंदू मैथोलॉजी के महाकाव्य रामायण पर बेस्ड होने वाली है, जिसके लीड कास्ट में हमें रणबीर कपूर के साथ ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है। इस बिग बजट मूवी में रणबीर कपूर भगवान राम का, ऋतिक रोशन लंकेश रावण का और सीता के किरदार में दीपिका पादुकोण हम सबको दिख सकती है। वही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर नितेश तिवारी, जिन्होंने बॉलीवुड को सुशांत सिंह राजपूत के साथ छिछोरे और आमिर के साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल दी है। दोस्तों हाल ही में खबर आ रही है कि इस फिल्म को 400 करोड़ से ज्यादा की बजट में बनाया जा रहा, वही फिल्म के लिए रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन को 50 करोड़ से ज्यादा की फीस दी गई। अब देखना होगा कि फिल्म को डायरेक्ट नितेश तिवारी कितने बारीकी से बना पाते हैं, क्योंकि रामायण जैसे इपिक पर बन रही फिल्म में लोग कोई भी गलती मानने को तैयार नहीं होंगी। फिल्म की कास्टिंग अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है लेकिन जल्द ही डायरेक्टर नितेश तिवारी इस फिल्म की कास्टिंग पूरी कर लेंगी, क्योंकि 2023 के शुरू से ही इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और रणबीर कपूर की ये फिल्म 2024 के लास्ट तक में देखने को मिल सकती है। नंबर 3 ब्रह्मास्त्र। वैसे रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र मूवी हाल ही में रिलीज हो चुकी है जिसमें रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट, नागार्जुन अक्कीनेनी, अमिताभ बच्चन और मौनी राय अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए नजर आए हैं। दोस्तों शाहरुख खान के फैंस के लिए फिल्म में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मोमेंट, क्योंकि एसआरके का भी फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस नजर आने वाले हैं। लगभग 400 करोड़ के मेगा बजट में बनी ये बॉलीवुड की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के बहुत सारे सीन्स VFX और CGI के मदद से शूट किए गए हैं। आपको फिल्म देखते वक्त कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि बॉलीवुड के इस फिल्म का VFX और CGI वाले सीन्स हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर नहीं दे रहा, क्योंकि इस फिल्म के बजट का लगभग 150 करोड़ VFX पर ही खर्च किया गया है। ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को ही वर्ल्ड वाइड हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज हुई है। जी हां, फिल्म को भारत में 5000 स्क्रीन पर और दूसरे देशों में 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 8000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इंडिया की अब तक का सबसे ज्यादा स्क्रीन पाने वाली मूवी है। अब देखते हैं यह फिल्म कितना ज्यादा कमाल दिखा पाती है, क्योंकि फिल्म के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रखी है जिसके लिए फिल्म का बायकॉट भी ट्विटर पर जोर शोर से ट्रेंड कर रहा। नंबर 4 अंतिल मूवी विद लव रंजन। रणबीर कपूर की नेक्स्ट मूवी होने वाली है डायरेक्टर लव रंजन के साथ, जिसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों का बराबर बैलेंस करके हम सबको डायरेक्टर लव रंजन दिखाने वाले हैं। रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाले इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, डिंपल कपारिया और इसी फिल्म के जरिए पहली बार एक्टिंग में डेब्यू करते हुए प्रोड्यूसर बोनी कपूर दिखने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग मुंबई, दिल्ली और स्पेन में हो रही है, जिसके कई पिक्चर भी सामने आ चुके हैं जिसमें हमें रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर एक साथ दिख रहे हैं।
वैसे फिल्म मार्च 2022 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग बंद करनी पड़ी थी, जिससे फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से अब शुरू हो चुकी है। अब यह फिल्म हमें 2023 तक देखने को मिलेगी। नंबर 5 अनटिल मूवी विद राजकुमार हिरानी। रणबीर कपूर की नेक्स्ट फिल्म आएगी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ, जिसके साथ रणबीर कपूर ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू ऑलरेडी कर रखी है। जी हां, राजकुमार हिरानी और रणबीर कपूर की जोड़ी एक बार फिर से एक बहुत बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, फिल्म के बारे में बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि यह फिल्म 2014 में आई फिल्म पीके का सिक्वल होगा, तो बॉस ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने कंफर्म किया कि यह फिल्म बिल्कुल ओरिजिनल होने वाली है, या किसी भी फिल्म की सिक्वल नहीं होगी। इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट अनाउंसमेंट होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अभी शाहरुख खान के साथ डंकी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उस फिल्म की शूटिंग पूरा होते ही राजकुमार हिरानी पूरी तरह से रणबीर कपूर की इस फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे। वैसे आप देखना यह होगा कि राजकुमार हिरानी की फिल्म दर्शकों को अपनी ओर कितना ज़्यादा आकर्षित कर पाती है, क्योंकि आजकल जिस तरह से फिल्म का बायकॉट हो रहा है वह कतई भी अच्छा नहीं है, और राजकुमार हिरानी का तो बायकॉट गैंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि उनकी पीके फिल्म का भी जबरदस्त बायकॉट हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग 2023 में शुरू हो सकती है, इसलिए हम मूवी लवर को यह फिल्म 2024 के अंत तक देखने को मिल सकती है। वैसे बॉस, हमें कमेंट करके बताइए रणबीर कपूर के इन सभी फिल्मों में आप किस फिल्म का सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।